अस्सलाम वालेकुम। वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है, अभी ये लेक्चर नंबर पाँचवा है, छठा नंबर आज प्रॉब्लम हल करेंगे। ये प्रॉब्लम है द सम ऑफ टू नंबर इज़ 40। दो नंबर है उनको जब हम ऐड करेंगे उनका जवाब जो मिल रहा है 40 मिल रहा है, एंड द डिफरेंस इज़ 16। उसमें से जो है ना दो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें से x प्लस वाई में जो डिफरेंस करेंगे x माइनस वाई वो 16 के बराबर लेंगे। फाइंड द नंबर, वो नंबर अभी इसको सॉल्व करते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो नंबर लेने हैं, द सम ऑफ टू नंबर x, एक x ले लेते हैं दूसरा y। यहाँ पर सम की बात कर रहा है सो इसलिए प्लस रखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात करता है तो माइनस रखते हैं, तो इसका जो बराबर आ रहा है x प्लस वाई दो नंबर को ऐड कर रहे हैं वो 40 के बराबर आ रहा है, और द डिफरेंस इज़ 40। उनमें से डिफरेंस जो आ रहा है 40 का, x माइनस वाई दूसरा नंबर ले लेते हैं जो कि 16 के बराबर है, वो डिफरेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे। सो फाइंड द नंबर, हमें नंबर ढूंढने हैं, दो नंबर हमें मिलेंगे। सो अपनी इक्वेशन आगे इसको ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x और x जब ऐड करेंगे 2x बन जाएगा, y में से y गया तो कुछ नहीं बचा सो इनको कैंसिल कर देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है। उसके बाद अगर 40 में से 16 को माइनस करें बाकी 24 बचे, सो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 24, 16 ऐड करेंगे 40 जवाब आ जाएगा। सो 40 में से 16 गए 24 बचे, एक से यहाँ पर रखेंगे ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ से 2, तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड करेगा 24 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर खोड़े लगाएंगे हमारा जवाब आएगा 12। इस पे एक बार जा रहा है 2 पे और 4 पे दो बार, 12 आंसर मिला। ये हमें x मिला है, अभी हमें y भी ढूंढना है, दो इक्वेशन हमें, क्योंकि दो आंसर मिलेंगे इक्वेशन लिए दो। सो अभी दूसरी नंबर सॉल्व करते हैं, x जो हमारा जवाब आया है 12 के बराबर है। अभी ये x का जो वैल्यू है ये किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे हमें जो y का वैल्यू मिल जाएगा। सो अभी हम करते हैं इसको x में पहली नंबर इक्वेशन में x को पुट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 40 के बराबर था तो x का वैल्यू हमें मिला है 12 यहाँ पर रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 40। उसके बाद यहाँ पर जो ये 12 प्लस के हैं इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 40 माइनस 12। अगर 40 में से 12 गए बाकी कितने बचे 28, तो यहाँ पर 28 में से 12 प्लस करेंगे ये 40 हो रहा है, ठीक है। हमें जो x का वैल्यू मिला वो 12 मिला, y का जो मिला वो 28 मिला। यहाँ पर लास्ट में कह रहा था फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें दो ढूंढने, एक x था दूसरा y। x का जो आंसर आया 12 आया, y का वैल्यू 28 आया, ये हमारी इक्वेशन जो है ना सॉल्व हो गई, ये इसका आंसर है। खुदा हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं, उम्मीद है कि ये भी लेक्चर आपको आसानी से समझ आ गया होगा।